अस्तम ग्राम पंचायत बिसरू में एक डिपो होल्डर यूसुफ खान के यहाँ पहुँचे हैं। कल यहाँ पे कुछ बातचीत हुई थी, कुछ बाहर से कर्मचारी बन गए थे जिनको ग्रामीणों ने फर्जी बताया था। जो कल मामला यहाँ पे हुआ था आपकी गैर मौजूदगी में, क्या मामला था और अभी क्या चल रहा है उसमें? कल मैं घर पे नहीं था, आज मैं कहीं बाहर गया था, स्टार्ट को बता के गया था मैं, और फिर आए थे यहाँ पे कोई बंदे। मैंने बोला सर मैं घर पे नहीं हूँ, तो आए पुलिस ले के और उन्होंने ताला तोड़ दिया जी। अच्छा, ताला उन्होंने तोड़ा? हाँ जी, ताला टूटा पड़ा जी, रखा ताला जी। और फिर उसके बाद सब ग्रामीण को सबको पता है जी, उन्होंने ये कहा जी कि 80 कट्टे डाले हैं, 3 घंटे तक डिपो खोल के नहीं दिखाया। अच्छा, 3 घंटे इंस्पेक्टर आ गया तब मैंने डिपो खोल के दिखाया, और 3 घंटे पुलिस थी यहाँ पे और जावेद सर थे यहाँ पे जो आए थे अधिकारी, पीछे से बोल रहे थे अधिकारी हम, तो 80 कट्टे किसी डुबके से आएंगे नहीं, मतलब वो ट्रैक्टर में आएंगे या जो आए थे यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट के आदमी थे? वो वुडन सप्लाई के थे कि गरीब पीएम गरीब कल्याण की वजह से वो बना रखे हैं, मतलब पीएम वाला गेहूँ आता है उसकी तरफ से कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं। उन्होंने कहा 80 कट्टे मतलब 3 घंटे खोल के नहीं दिखाई, 80 कट्टे डाल दिए तब हमें खोल के दिखाया है। और मैंने सुना है कि दोनों तरफ से एप्लीकेशन लगी है आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। उन्होंने मेरे से जब मैं आया नहीं था, मैं सोने में था तब मेरे पास फ़ोन गया था तरुण का, तरुण ने कहा था मैं आपका सेटलमेंट करा देता हूँ, 10,000 रुपये दे दो। हाँ, तरुण जो इस गांव का ये एक बंदा मतलब एंटी पार्टी का है, तो उसने पप्पी से 5,000 रुपये ले लिए थे, सबूत है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और फिर मेरे से मांगा था, मैंने मना कर दिया, मैं 1 रुपये नहीं दूंगा भाई, जो जो चेक करने आना है चेक कर ले, मेरे डिपो खोल के दिखा दूंगा मैं। शाम को मैं आया फिर मैंने चेक करके दिखाया, तारीफ इंस्पेक्टर आए थे हमारे अधिकारी, तो मैंने डिपो चेक कर दिया, पूरा नाज मिला, पूरा कट्टे मिले, कोई दिक्कत नहीं है। तारीफ जो आया था उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं, जितने बैग थे इतने डिपो में है, सही पाया वो सब कुछ। आप जिला प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका मामला हाईलाइट जो सेम फ्लाइंग के वजह से मतलब बदनाम करते हैं, मतलब सेम फ्लाइंग आ रही है झूठे जो डोले, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इन्हें रोका जाए जी। था जी फर्जी थे वो, कोई वो नहीं था, इंस्पेक्टर कोई आता है बंदा तो इंस्पेक्टर को लेके आता है, हमारे अधिकारी को साथ कोई साथ नहीं था, बस वो पैसे वसूली के लिए आते हैं जी। जब अधिकारी को हमारे अधिकारी को पता नहीं है तो डिपो चेक करने जा रहा हूँ तो गलत है उसका, वो पैसे के लिए आते हैं फिर वो। मास्टर जी आपका भी घर पड़ोस में ही है तो जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या था मामला? सर कल वो आए थे वो लोग, हमने डिपो चेक करना है, मैंने खुद ने आके उनसे पूछा कि आपकी अथॉरिटी क्या है जी, आप क्या हो, तो बोले इतने मतलब वो एक अलग ही जुनून में थे कि हमारी जो गाड़ी खड़ी है ना यही अथॉरिटी है, ऐसा बोल रहे थे। वीडियो क्लिप मेरे पास है। अच्छा सर आप बताइए क्या कोई गाड़ी किसी चीज की अथॉरिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। कि किसी की भी गाड़ी खड़ी हो, कोई भी गाड़ी खड़ी हो, ना कि उसके ऊपर कोई बैनर लगा हुआ है, ना बत्ती लगी हुई है, ना नेम प्लेट लगी हुई है, बोल रहे थे कि ये गाड़ी ही मेरी अथॉरिटी है। कुछ भी लगा पड़ा गाड़ी थोड़ी ना सर्टिफिकेट होता है सर, उसमें लगा भी कुछ नहीं था, उसमें कुछ नहीं लगा हुआ था, कुछ नहीं था। तो फिर मैंने उनको कहा भैया आपकी अथॉरिटी नहीं है तो आप जाइए यहाँ से, क्योंकि मैं वो बोले मैं इंस्पेक्टर को बुला देता हूँ। सर इंस्पेक्टर आएगा, आप बिल्कुल चेक कीजिए, एक एक दाना दाना चेक कीजिए, आप कट्टे नहीं दाने गिन के चेक कर लीजिए हमारी तरफ। आप गाँव के एक टीचर हैं जी, सैकड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे कि हमें मारने के लिए भागे थे या कुछ ऐसे, ये क्या था मामला? नहीं सर, सबसे पहली भेंट उनसे मेरी हुई थी, आप उनसे बात कीजिए, उनकी बाइट लीजिए, आप कभी उनसे बात कीजिए कि आपसे कैसे व्यवहार किया गया था, वो गलत कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें जावेद भाई आरोप लगा रहे कि 80 कट्टे डाले गए, जब जावेद यहाँ खड़े हैं, पुलिस 112 नंबर थाने की पुलिस यहाँ खड़ी हुई है, आधा गांव यहाँ खड़ा हुआ है, गांव के मुखिया सरपंच जी यहाँ खड़े हुए हैं, कट्टे कहाँ से आ गए? अगर जावेद जी के पास एक भी वीडियो या कोई भी उसका फोटो है कट्टे लाते और जाते हुए का, तो जावेद जी पेश करें जी। जनाब क्या कहना चाहते हैं इस मामले के लिए? भाई कहने की बात यही है जी कि जब से वो आए ना साथी, हम यहाँ जब ही आ गए 3 घंटा कंटिन्यू रहे यहाँ, और पुलिस पहले 112 नंबर वो रही और थाने की पुलिस भी बुला ली, यहाँ कोई कट्टे वट्टे कुछ ना डाले जी, उनके साथ उनको पेप्सी भी पियाई, ठंडा पानी पाओ, बहुत अच्छी तरह हर आदमी अच्छी तरह बोलो जी, कोई वैसे दुर्व्यवहार ना करो उनसे जी, फोटो वोटो सही बढ़ता है, बिल्कुल सही बढ़ जाए हर आदमी के लिए। इस मामले को लेकर क्या कहना चाहता हूँ? इस मामले को लेकर यही कहना चाहता हूँ मैं, एक तो कल जावेद जी यहाँ पे आए हैं, एक तो बगैर ना तो कोई विभाग को इन्फॉर्मेशन थी, ना ही उनके पास कोई एप्लीकेशन कोई शिकायत वगैरह थी, मैं भी यहाँ पे मौके पे पहुँच गया था, यूसुफ भाई मेरे यहाँ नहीं थे तो वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो मौके पे उनसे मैंने भी बोला था आपको जो चेक करना है चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट विभाग के बंदे को आप साथ में लीजिए, कोई बात करनी विभाग के बंदे को साथ लेके कीजिए, और कोई शिकायत है तो शिकायत भी विभाग को दीजिए, कहीं दिखाइए, और यहाँ पे
कम से कम 250 लोग गांव के इकट्ठे हुए थे, उनसे मैंने ये भी बोला था कि इनसे बात कीजिए आप, ये सब वो लोग हैं जो यूसुफ से राशन लेते हैं, इनसे एक से भी बात कीजिए, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरे को राशन नहीं दिया जाता, सभी ये कहेंगे कि सब ने उनसे बोला भी कि हमें हर महीने पूरा राशन दिया जाता है, बट वो जो आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वसूली के लिए आए हैं। बस सब कुछ है जो ठीक है, जो जिन्होंने कहा है इन्होंने देखा सब कुछ ठीक है, हम बढ़िया बढ़ता है, कोई दिक्कत ना, हमने तो आज तक कोई शिकायत सुनी ना किसी एतबार से। ठीक है दोस्तों, हमने तफसील से जानने की कोशिश की है डिपो होल्डर यूसुफ खान से और यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण उनको होनी चाहिए ना, उनको क्या प्रॉब्लम है जब यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो इस बात को बता रहे कि यहाँ पर राशन जो है वो सही तरीके से बढ़ता है, सही समय पर बढ़ता है, सबके लिए दिया जाता है, फिर उनको किसने शिकायत की? कोई शिकायत उनके पास है नहीं, शिकायत के बारे में ये कुछ नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि जो मामला यहाँ बीसरू में डिपो होल्डर यूसुफ खान के यहाँ पे जो घटा था, जो मामला प्रकाश में आया था, यहाँ के ग्रामीणों से जब हमने जाना तो ये उसको बेबुनियाद बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्रामीणों को कोई तकलीफ नहीं है तो वो कौन लोग हैं जिनको तकलीफ है, क्यों इनको परेशान कर रहे हैं बार बार आकर के? यहाँ सब ने बताया कि यहाँ पर राशन सही समय पर बढ़ता है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई बैक दरवाजा नहीं है, सिर्फ फ्रंट पर एक दरवाजा है और मैं आपको पूरी चार दीवारी इसकी दिखा रहा हूँ। ये कोई दरवाजा नहीं है, ये तो सिर्फ वो जंगला रोशनदान है। देखिए दोस्तों, इसमें भी जहाँ पे डिपो होल्डर का जो राशन है वो भरा हुआ है, जो गोदाम है, इसमें भी सिर्फ एक मेन गेट है जिसमें ये शटर लगा हुआ है, बाकी इसके अलावा तो कोई गेट इसमें नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।